राजीव प्रताप रूडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पप्पू यादव और एम्बुलेंस मामले को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से होमवर्क किया था, एक एक मामले को लेकर खुलकर बातचीत की है, लेकिन अब इस पर एक्सक्लूसिव जो बयान है वह पप्पू यादव की तरफ से आ गया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने लिखा है, घुसखोर विद्यार्थी का बस्ता मोट, भ्रष्टाचारी नेता के बहाने में खोट। हमने एम्बुलेंस चोरी का उद्भेदन किया तो ड्राइवर नहीं होने का बहाना, अब कह रहे हैं गाड़ी का फिटनेस बीमा फेल था। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आपका बहुत काला चिट्ठा निकलने वाला है, घबराए नहीं। तो पप्पू यादव के तरफ से यह ट्वीट तो सामने आ गया है। जिस तरीके से बीते सप्ताह उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही लगातार राजीव प्रताप रूडी को लेकर एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा था। हालांकि जब उनके एक कार्यालय के बाहर से एम्बुलेंस जो है वह बरामद हुई थी उसके बाद से ही राजीव प्रताप रूडी को लेकर हर तरफ आक्रोश देखने को मिल रहा था। और उसके बाद लगभग 10 से 12 दिनों के बाद राजीव प्रताप रूडी जो है इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पहले उन्होंने ये बताया था, जब तत्काल में पप्पू यादव छपरा पहुंचकर एम्बुलेंस का उन्होंने खुलासा किया था तो उनका बयान आया था कि एम्बुलेंस को लेकर वो एम्बुलेंस इसलिए खड़ा है क्योंकि उनके पास ड्राइवर नहीं है। तो पप्पू यादव ने आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम ड्राइवरों की व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। वह एक मामले में जेल चले गए, फिलहाल डीएमसीएच में है। लेकिन आज जब राजीव प्रताप रूडी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की है। एम्बुलेंस क्यों खड़ा था, या फिर पप्पू यादव वहां पर गए, या फिर पप्पू यादव का पुराना इतिहास क्या रहा है, तमाम मामलों को लेकर उन्होंने एक होमवर्क तैयार किया और उसके बाद आज वह मीडिया के सामने आए। लेकिन सवाल अब एक बार फिर से उठने लगा है कि पहले पप्पू यादव जो ड्राइवर की बात जिन्होंने उठाया था, जब राजीव प्रताप रूडी ने ड्राइवर की बात कही तो पप्पू यादव ने जब उसका व्यवस्था कर दिया था, तो आज राजीव प्रताप रूडी ने अब फिटनेस और बीमा की बात क्यों की? आखिर क्या कुछ मामला है जो पप्पू यादव के खुलासे के बाद राजीव प्रताप रूडी बार बार बदल रहे हैं? तो आज राजीव प्रताप रूडी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उस एम्बुलेंस को लेकर खुलासा किया गया, बताया गया कि बीमा और फिटनेस को लेकर वह तमाम एम्बुलेंस जो है वहां पर पड़े हुए थे उनको यूज भी नहीं लाया जा रहा था, तो इसी बीच अब पप्पू यादव का लेटेस्ट ट्वीट आ गया है और उस ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अभी तो और भी बड़े खुलासे करने हैं, आगे आगे देखते जाइए, घबराइए नहीं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे हेडलाइंस बिहार लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।